दो अंतर जनपदीय शातिर चोर 8 लाख कीमत जेवरात एक कट्टा 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार। जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस को मिली सफलता में 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। बीती 12 जनवरी को शुभम पैलेस से रात्रि एक मोटरसाइकिल सिटी 100 चोरों द्वारा उठा ली गई, जिसकी सूचना वादी वेद प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र विजय बहादुर द्वारा लिखित सूचना थाना सदर में दी गई। इसी क्रम में वादी चिनाक पुत्र नाते राम ने लिखित सूचना दी गई। हमारी दुकान जो हुसैनगंज में विशाल भंडार ज्वेलर्स से रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा शटर उठाकर अंदर की अलमारी से तोड़कर उसमें रखे जेवरात चोरी कर लिए गए हैं, जिसको लेकर पूरी अपनी कार्यवाही जारी रखी और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर धर्मवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक मुन्ना लाल, क्षेत्र अधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में किया गया। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। रिंकू और कल्लू की ये नकबजनी और चोरी के अभियुक्त हैं। इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी और ज्वेलरी की दुकान में चोरी की गई थी। कीमत लगभग 8 लाख रुपए बरामदगी सोने चांदी और मोटरसाइकिल की मैकमंची के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। इसका एक साथी अभियुक्त भाग गया है। इनके और कौन एसोसिएट रहे हैं या किन घटनाओं में रहे हैं, इसकी छानबीन की जा रही है और पुलिस टीम को 5,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया है। तो इनके ऊपर विगत वर्षों में कोई मुकदमे और दर्ज हैं अभी चलने वाला? अभी इसकी छानबीन की जा रही है कि इनके पास आपराधिक इतिहास या अन्य जिलों में कहाँ पर उन्होंने अपराध किया है। सर कितनी बाइकें बरामद हुई, कितनी की ज्वेलरी बरामद हुई है इनके पास? एक बाइक बरामद हुआ है और ज्वेलरी लगभग 8 लाख रुपये की, 6.5 किलो चांदी और 125 ग्राम सोने की बरामद की है, जो आभूषण के रूप में है।